अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वी आर एट पीएफ यार्ड क्लब। पहले भी हमने दो एपिसोड की थी, उस वक्त हम आए थे रात में, आज हम हैं डे नाइट के अंदर। डे लाइट के अंदर जो है इसका मज़ा ही कुछ और है। और जैसे कि आप जानते हैं पीएफ यार्ड क्लब जो है यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स हैंगी। थैंक यू ब्रदर। वाटर स्पोर्ट्स हैं, डोनट जेट्स हैं, जेट इसकी है यहाँ पे जो मैंने किए, बड़े मज़ेदार है। यकीन करें दिन में आने का मज़ा ही कुछ और है। और आम पब्लिक के लिए भी है, आप लोग 7 days ऑफ वीक यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और लाइफ जैकेट दे रहे हैं हर बंदे को, बिल्कुल सिक्योर है और बड़ा मज़े का सीन है। तो जनाब आज हम करेंगे कुकिंग यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। कुछ सेटअप भी लगाएंगे, आज हमारे पास चूल्हे नहीं हैं इधर, और जनाब कोई टेबल्स नहीं है यहाँ पे, स्टूल्स नहीं है, तो जो भी कुछ होगा खुद बनाएंगे। इधर पत्थर पड़े हुए हैं, कोयले पड़े हुए हैं, जमा करेंगे, लकड़ियाँ जलाएँगे और बनाएँगे फूड। तो चलें शुरू करते हैं ज़रा चूल्हा बनाने का इंतज़ाम। सेटअप मेरा लग गया है, अब यहाँ पे सिर्फ हमने डालने हैं कोयले और आग जलानी है। थोड़ा सा मुश्किल होगा आग जलाना, लेकिन चैलेंजिंग है, लेकिन मज़ा आने वाला है। और अब हम बनाएंगे फिश बेहतरीन सी। चले कोयले डाल दिए, बस अब जो चैलेंजिंग है वो है आग जलाना। चले जब तक हमारे कोयले देखेंगे, तैयारी करते हैं बटरफ्लाई फिश की और करते हैं मैरिनेशन। गार्लिक है हमारे पास, फ्रेश गार्लिक। फ्रेश गार्लिक का मज़ा ही कुछ और है। और इस एनवायरनमेंट के अंदर यकीन करें वेदर ऐसा ऐसा बहुत मज़ेदार होता जा रहा है। गार्लिक पेस गया है, 2-3 शामिल करेंगे हरी मिर्चें। और फिश का बड़ा मज़ेदार टेस्ट भी आने वाला है। फिश जो है मेरे पास वो मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट पॉम्फ्रेट। थोड़ा सा चटकारा चाहिए तो मैं एक मिर्च और ऐड करता हूँ। थोड़ा ब्लैक पेपर, सारे स्पाइसेस फ्रेशली ग्राइंड हो रहे हैं तो इनका अरोमा भी बेहतरीन आने वाला है। रेड चिलीज, थोड़ा सा साबुत धनिया, जीरा, बड़ी मजेदार मैरिनेशन बन गई है। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। चलिए मैरिनेशन तैयार हो गई है, फिश है, फिश को जो हमने सेंटर से काट देना और
फिश पॉम्फ्रेट ले रहा हूँ। इसके अलावा जो फिश आप खाना चाहते हैं इसके अंदर आप रेड स्नैपर डाल सकते हैं, और सुरमई फिश अगर आपने खानी है सुरमई आप इसमें बना सकते हैं, और बोनलेस फिश भी आप इसमें ले सकते हैं। कल के कट लगा दें ताकि मसाला जो है अंदर तक चला जाए, और अगर थोड़ा मैरिनेशन टाइम मिल जाए इसको तो क्या ही बात है। फिश हमारी मैरिनेट हो गई है, और जब तक यहाँ पे हम अपने पत्थर को सेट करते हैं, ऑयल शॉयल लगाते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे फिश को, तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं फ्लेम ऑन है, और आज हम हैं पी एफ यार्ड क्लब में। आप देख सकते हैं पीछे जेट इसकी हो रही है और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं लोग, हम भी इन्जॉय कर रहे हैं, वेदर बहुत अच्छा है और लाइफ इन्वायरमेंट में कुकिंग का मज़ा ही अलग है। फिश हमने मैरिनेट कर ली है और आग भी हमारी तकरीबन सेट हो चुकी है, जो स्टोन है अपना उसको ज़रा हम रेडी करते हैं। जब आपकी नियत हो ना काम करने की तो फिर क्या होता है, सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको अवेलेबल हो जाती हैं। देखिए यहाँ से हमने पत्थर ढूंढे, हमें स्टोन भी मिल गया, सारे छोटे मोटे स्टोन भी मिल गए, हमने पूरा सेटअप लगा लिया इधर। चले जी, थोड़ा कुकिंग टाइम हमारा बढ़ेगा लेकिन मज़ा आएगा। चलिए, दो चीज़ें हमारी इसमें रह गई थी जो हम डालेंगे ऊपर से, अजवाइन और लेमन जूस। ये भी सारी मैरिनेशन पर लगा देंगे। चलिए ऐसा ऐसा कुक होगी, साथ ही साथ तैयारी करते हैं साइड लाइंस की। ये भी साथ ही साथ काट के हम साइड पे रखते हैं। कैप्सिकम, पहले भी हम पीएफ यार्ड क्लब आ चुके हैं, उस वक्त हम आए थे रात में, और आज हमने कहा कि चलें दिन में डे लाइट के अंदर काम करते हैं, और इस एनवायरनमेंट में काम करने का मज़ा ही अलग है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं पीएफ यार्ड क्लब जो है कराची से बहुत करीब है, बतने कराची के अंदर ही है और बड़ी बेहतरीन जगह है। अगर आप सेंटर से रहते हैं कराची के, 20 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये आ गए टमाटर के स्लाइसेस, थोड़ी करेंगे सीजनिंग, सॉल्ट, पेपर, अब स्टोन जो है ना सही गर्म होना शुरू हो गया है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, एक तो सी साइड पे है, आग थोड़ा बैलेंस करना चैलेंज होता है, और उसके बाद चूल्हा हमारा हीट कर जाए, लेकिन काम हमने पक्का किया है। अब जहाँ जहाँ हीट है, हाँ, और साथ साथ जो इसकी साइड लाइन्स इनको भी करते आते हैं सेट। अच्छा, ये फिश जो है ना, ये मैं सर्व करूँगा चपाती के साथ,
आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बॉयल राइस ले लें, बटर राइस ले लें, सैफ्रॉन राइस ले लें, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पे मज़ा आने वाला है ना इसका, चपाती के साथ आने वाला है। चलें, ये मज़ा है। ये मसाला जो है ना इसका, जब ये जलेगा ना स्टोन के ऊपर, स्टोन का तो एक अपना फ्लेवर होता है, जैसे हम कोयले पे बनाते हैं, चारकोल पे कहते हैं, चारकोल तो इसके ऊपर, लेकिन जो स्टोन का फ्लेवर है ये चारकोल को भी डबल कर देगा। और जब इस तरह हम कैंपिंग कर रहे होते हैं, आउटसाइड निकले हुए होते हैं, तो बड़े पेशेंस के साथ सारे काम करने पड़ते हैं। कुकिंग भी इंडोर करते हैं तो आपने चूल्हा जलाया, 15 मिनट में आपकी डिश तैयार हो गई, लेकिन इसके अंदर सब्र के साथ अब जो है ना मज़ा आने लगा है। चले, फिश पक रही है, स्लो स्लो पकती रहेगी। तैयारी पकड़ते हैं सेकंड रेसिपी की, जो कि स्मैश बीफ बर्गर। बीफ हमारे पास यहाँ पर है और इसके अंदर जनाब हमने बीफ फैट मिक्स किया हुआ है। जितने भी बर्गर हम लोग खा रहे होते हैं, जूसी होते हैं बाहर और मॉइस्ट होते हैं, उसकी सीक्रेट क्या, उसका रीज़न क्या है, ये कि हम फैट डालते हैं बीफ के अंदर। अगर चिकन भी बना रहे हैं उसमें भी फैट जा रहा होता है, और इसका रेशो भी आपको बता दूँ, तकरीबन 30-40% जो फैट जा रहा होता है इसके अंदर। वो जब देखते ना, जब आप किसी भी बर्गर जॉइंट पे जाते हैं, बर्गर खाते हैं, बड़ा जूसी होता है और अंदर से जूस निकल रहा होता है, सॉफ्ट होती है पैटी, वो यही है उसका रीज़न कि हम इसके अंदर फैट डालते हैं। इसके अंदर भी मैं तकरीबन 30% जो है फैट ऐड किया हुआ है। और जनाब वंस अगेन इसके अंदर डालेंगे हम ब्लैक पेपर। चलें जी, अब थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो है वो हम कहते हैं क्रश्ड, और एक दफ़ा हटाते हैं इसको। पैटी को कोई बहुत ज़्यादा हम सीजनिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्ट पेपर डालेंगे इसके अंदर। बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, क्रश रखना है थोड़ा सा, और इसी के साथ मिक्स करना है सॉल्ट। चलें, अब ये इसमें कीमा, अब जितना भी फ्लेवर होगा ना बर्गर का वो हम देख सॉस के साथ, और इसके साथ बनाएंगे स्मोकी सॉस। चलें, साथ साथ फिश को भी चेक करें। अब जो है स्टोन भरपूर तरीके से हमारा हीट में आ गया, चलें तकरीबन 80% हमारी फिश जो तैयार हो गई है, और साथ ही साथ जो इसकी साइड लाइन है इनको भी ज़रा यहाँ पे हीट कर लेते हैं। चलें, ये हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अब कुछ टमाटर जो हैं वो जुलियन कर लेते हैं। चलें, बेहतरीन तरीके से फिश को ओवर नहीं करना है बिल्कुल। साइड लाइन पे हल्की सी करेंगे ऑयलिंग, बहुत जी कुकिंग ऑयल के साथ। हाँ हाँ, और मेरे ख्याल से ये जो मसाला है इसी मसाले को इस्तेमाल किया जाए साइड लाइन में भी, तो मज़ा ही अलग है इसका। यस, मछली भी हमारी तकरीबन रेडी हो गई है, साइड लाइन भी रेडी हो गई है, और कीमे का जो है मैरिनेशन वो भी हमने कर लिया पेटी की। तो यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे बर्गर्स। कहीं मत जाने, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फ्लेम ऑन है, और हम आज पीएफ यार्ड क्लब में बड़े मज़े की डिश बन रही है, फिश बना रहे हैं हम जनाब। फिश हमारी तैयार हो गई है, साइड लाइन भी तैयार है। अब करेंगे जस्ट इसको हम डिश आउट, चपाती के साथ हमने इसको किया है सर्व, और ये आ गई इसकी साइड लाइन।
और ये जो मसाला है ना, ये इसका भी अपना ही मजा है। चलें, ये हो गया डन। बीफ पैटी हमने जो है मैरिनेट कर ली थी, मतलब कीमे को हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगा दिया है। और अब वंस अगेन हमारा ये जो स्टोन है भरपूर स्टाइल में गरम हो चुका है। अब हमने करना है क्या है, पैटी बनानी है स्मैश। तकरीबन ये 130-140 ग्राम की पैटी बनेगी। ये जूस निकलता है, दिख रहे हैं ना आपको, ये है बीफ फैट। चले, इसको भी बनाएंगे धीमी आंच पे। जब तक ये बन रहा है साथ में से इसका तैयार करते हैं सॉस। चले भी, सॉस के लिए हम ले लेते हैं जनाब मायो। बर्गर पैटी जो होती है ना, वो सिर्फ एक न्यूट्रल पैटी होती है। और आप देखते हैं जितने वेरिएंट आपको बर्गर में मिल रहे होते हैं, वो मिलते हैं सॉस के साथ। सॉस चेंज करते हैं, बर्गर की वैरायटी जो है वो आपकी बढ़ती आएगी। बड़ा मॉइस्ट और जूसी पैटी हमारी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, इसमें ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस, थोड़ा सा सॉल्ट, यमी सॉस तैयार हो चुकी है हमारी। पैटी भी बन रही है। चले, सॉस हमारी हो गई रेडी, पैटी भी तैयार हो रही है, साथ के साथ बर्गर बंस भी टोस्ट कर लेते हैं। चले भाई, बंस को भी करेंगे थोड़ा टोस्ट। इसी फैट के साथ थोड़ी सी ऑयलिंग करते हैं। भाई, तीनों ये बर्गर के बेस हमारे ऑयल हो चुके हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर अब हम बर्गर पैटी पे आ जाएगी चीज। और यकीन करें, जो अभी स्मोक आ रहा है, जो फ्लेवर आ रहा है ना,
बीफ का और फैट का, मज़ेदार। चलें ये हो गया। अब जनाब हमने करना क्या है, बेस पे लगेगा सॉस, और जनाब यहाँ पे चाहिए हमको थोड़ा सा सलाद का पत्ता, चले ये आ गया बर्गर, चलिए अब आएंगे इन पे टमाटर के स्लाइसेस। और अब एक बेहतरीन काम होने जा रहा है इस पे, टॉपिंग आप टमाटर स्लाइसेस से कर लें, आप कैरेमलाइज्ड अनियन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ गया जनाब, चलें अब जनाब एक कदर लेंगे अंडा, ओ ये क्या हुआ, हो जाता है क्या हो गया, चलें इसको हम थोड़ा सा बैलेंस करते हैं और एक सपोर्ट लगाते हैं यहाँ पे सपोर्ट लगाते हैं ताकि ये काम जो है दोबारा ना हो। चलें इसको थोड़ा सा अप करते हैं और नीचे देते हैं सपोर्ट, चलें वंस अगेन इधर हम कोई सपोर्ट लगाते हैं। पहले किस चीज़ की लगा सकते हैं हम सपोर्ट, अनियन से अच्छी कोई सपोर्ट नहीं होती है, अनियन की सपोर्ट लगाएंगे जनाब। अक्सर बारबेक्यू में होता है, जब हम तंदूर में बना रहे होते हैं ना बारबेक्यू, तो चिकन की बोटी हो या फिश हो तो वो नीचे गिरती है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें सपोर्ट लगाते हैं प्याज की। चलें भैया अब हमें चाहिए 2 अदद अंडे और इसको हम थोड़ा सा सेफ्टी के लिए इसको हम थोड़ा फेंट के डालेंगे। चलें थोड़ा सा ऑयलिंग दोबारा करते हैं क्योंकि ये अंडे अभी चिपकेंगे भी, इस तरीके से रोकेंगे उसको। चले ये स्क्रम्बल्ड हमारा हो गया तैयार, चलें बर्गर भी हो गए हमारे डन, टॉप जो है टॉप को भी थोड़ा सेकते हैं थोड़ा सा ऑयलिंग करके, नहीं नहीं डन है। बर्गर जितना ज़्यादा जूसी होगा ना उतना ज़्यादा मज़ा करेगा, जूसी करने के लिए
सॉस होनी चाहिए एक्स्ट्रा। चलिए ये आ गई सॉस। एक टॉप हमारा खराब हो गया है, नो इशू, हमारे पास बैकअप हैगा। ये आ गया हमारा बैकअप। तो जब आउटडोर निकलते हैं ना तो बैकअप साथ लेके जाते हैं। चले ये हो गए बर्गर्स हमारे तैयार। फिश हमारी रेडी है, बर्गर्स हमारे तैयार हैं और साथ में ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में थोड़ी सी अपने स्टोन को साफ करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे मैक्सिकन ब्रिटोस। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फ्लेम ऑन है पीएफ यार्ड क्लब में। बड़ा मज़ा आ रहा है, दो रेसिपीज हमारी बन गई हैं। फिश हमारी तैयार है, बर्गर्स हमारे स्मैश बीफ बर्गर्स तैयार हैं, बारी है मैक्सिकन ब्रिटोस की। चलें जी, स्टोन अभी फुल जोबन पर है जिसको कहते हैं ना। चलें जी तैयारी करते हैं। चिकन हमारे पास, चिकन बोनलेस, इसको ज़रा सा ट्रिम करते हैं और जुलियन कटिंग करते हैं, बिल्कुल थिन स्लाइसेस। जब हम लोग आए थे यहाँ पे बड़ी रौनक लगी हुई थी, खैर अभी भी है तो बड़ी रौनक है, हल्ला गुल्ला हुआ हुआ है। तो हमने भी शुरू में जरा जेट स्की की है, मज़ा आया उसका। और पी एफ यार्ड क्लब जो है बेहतरीन जगह है कराची में, मतलब बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ जा सकते हैं घूमने अच्छी, और ये उनमें से ही एक है। और ये बहुत दूर भी नहीं है, अगर आप कराची के सेंटर से हैं तो 20 से 25 मिनट में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और आम पब्लिक के लिए भी बिल्कुल ओपन है ये, संडे भी ओपन होता है, यानी कि 7 डेज अ वीक आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आके इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत सारे जो हैं स्पोर्ट्स यहाँ पर हैं, सी स्पोर्ट्स काफ़ी सारे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे बनाना इसकी है, डोनट इसकी है, जेट इसकी है, तो मतलब फुल टाइम सी नॉन है। यहाँ आएँ और इन्जॉय करें जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। बर्गर्स हमने बना लिए हैं, फिश हमने बना ली है। थोड़ा चैलेंजिंग था शुरू के अंदर के थोड़ा स्टोन जमा करने हैं, पत्थर जमा करने हैं, अपना काउंटर बनाया हमने, अपनी यहाँ पे स्टूल बना दिया, कटिंग बोर्ड के लिए अलग बनाया, चूल्हे अलग सेट किए हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। चलें भी, चिकन हमारी हो गई है, कट इसको करते हैं साइड में। और आज माजरत के साथ हमें एक ही कटिंग बोर्ड यूज़ करना पड़ा, नाइफ मीट के लिए भी और वेजिटेबल्स के लिए भी। तो जनाब हीट जो है ख़तरनाक हो चुकी है यहाँ पर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्याज को और गार्लिक को करना है जुलियन। चूँकि मैक्सिकन डिश है, मैक्सिकन ब्रिटो, तो थोड़ा सा ये स्पाइसी होगा और मैं इसको चटपटा भी रखूँगा, क्योंकि स्पाइसी नहीं होगा, चटपटा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। और जो चीज़ स्टोन पे बन रही है तो उसका तो मज़ा ही अलग है। गार्लिक ले लेते हैं थोड़ा सा, चलें भी। गार्लिक हो गया चॉप, स्टोन हमने साफ कर लिया था अपना। थोड़ा सा ढलान है लेकिन कोई इशू नहीं। अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज, फुल अरोमा चाहिए गार्लिक का और अनियन का, तो उसको हम पहले ज़रा अच्छे से कर लेंगे कैरामलाइज्ड। और जितनी भी कुकिंग कर रहे हैं आज हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में कर रहे हैं,
यूएसडी ट्रीटेड है, विटामिन ए और डी से भरपूर है, जो भी बने बड़ा हेल्दी और मज़ेदार। बीटी है बनास्पति में भी हम काफ़ी कुकिंग करते रहे, जब हमें अरोमा चाहिए होता है बेहतरीन वाला तो हम कुकिंग करते हैं बीटी है बनास्पति में। चले थोड़ा सा कलर आ जाए ज़रा, अनियन पे पेस्ट में शामिल कर देंगे जनाब चिकन। भरपूर हॉट प्लेट बन गई है हमारी, ये हमने इसको किया अच्छे से गरम। अब अगेन यहाँ पे आएगा ऑयल और हम डालेंगे इस पर चिकन। आप हीट चेक करें और इसका साउंड आप चेक करें, पीछे लहरों की आवाज़ और यहाँ पर चुड़पुड़ हो रही है ज़रा ऑयल की और चिकन की, मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी स्टोन जो है कितना गर्म होगा। चले यहाँ पे चिकन हमारा हो रहा है फ्राई, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रिटो को मजीद फाइनल करेंगे, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फ्लेम ऑन है और हमें पीएफ प्याट क्लब में दो रेसिपीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। फिश हमारी बन गई है, स्मैश बीफ बर्गर रेडी हैं और यहाँ बन रहे हैं मैक्सिकन ब्रिटोज। चले चिकन भी फ्राई हो गया है, पहले हमने गार्लिक और अनियन को सौते कर लिया था अच्छे से, चिकन हो गया फ्राई। अब इस स्टेज पे हमने इसको फ्लेवर देना है लेमन का। कुटी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि मैक्सिकन है तो थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। कुटी हुई लाल मिर्चें, इसके साथ साथ इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें। और सॉल्ट की सीजनिंग, थोड़ा सा ऑयल डालकर भरपूर इसमें अरोमा आ गया है, सॉल्ट का, रेड चिली का, लेमन जूस का। इसको करेंगे साइड में। अब बकाया जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें हमारे पास है यहाँ कैप्सिकम, कैप्सिकम को जुलियन करेंगे, अच्छा जुलियन साइज थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, तकरीबन 1 इंच। थोड़ी सी ऑयलिंग, ग्रीन चिलीज, ऑलिव्स, ऑलिव्स ऑप्शनल हैं, डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें, नो इशू। और जुलियन टमाटर इसमें शामिल करेंगे।
चलें अब वंस अगेन इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भूनना है, मतलब स्ट्रॉन्ग का भरपूर फ्लेवर आ जाए। स्पाइसी भी है, हरी मिर्ची भी डाली हमने इसमें कुटी हुई, लाल मिर्ची भी शामिल की है और लीमू का इसमें जो है झटका भी है। और जनाब अब सारी चीजों को एक साथ करेंगे मिक्स। और अब फाइनली इस पे जाएगा ये टोमेटो केचप। भरपूर तरीके से इसको हमने पकाना है कि ये जो केचप है वो ड्राई हो जाए, जो फ्लेवर है वो सारा इसके फ्लिंग के अंदर आ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे चीज। भरपूर माउथ वाटरिंग चीज़ी फिलिंग हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। फिलिंग हमारी तैयार है। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो असेंबल करेंगे ब्रोटीस को, तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके और आप देख रहे हैं फ्लेम ऑन है और हम हैं पीएफ यार्ड क्लब में। दो रेसिपीज हमारे अलहमदिल्ला डन हो चुकी हैं, फिश बर्गर्स ब्रिटोज भी तकरीबन तैयार हैं, फिलिंग हमने रेडी कर लिया, जस्ट करेंगे असेंबल। हवा थोड़ी तेज़ है तो चीज़ों को संभालेंगे। चलें यहाँ पे टॉर्टिला या चपाती का इस्तेमाल करेंगे, मेयोनीज लगाना है हमने सबसे पहले और फिर इस पर रखना है कुछ ताकि ये उड़े ना। चले भाई, दूसरी चपाती पे भी हमने लगा दिया जनाब मेयोनीज। और जनाब इसमें जाएगा ये आइसबर्ग या सलाद पत्ता। और जनाब इसमें जाएगी ये ब्रोटियोस की मज़ेदार सी फ्लिंग। चीज़ एक्स्ट्रा हमने इसमें डाली है, चीज़ी ब्रूटोस। स्पाइस लेवल के लिए हमने ग्रीन चिल्ली भी ऐड की है, क्रश चिल्ली भी ऐड की है और सॉरनेस के लिए दिया इसमें लेमन जूस। चलें ये हो गया है, जस्ट हमने करना है इसको। आप यकीन जाने कि स्टोन कुकिंग का जो मज़ा ही लगे और आप कभी आएँ अपने फैमिली के साथ पीएफ यार्ड क्लब में और यहाँ आके कुकिंग करें स्टोन्स के ऊपर, मज़ा तो आएगा आएगा एनवायरनमेंट का, लेकिन उसके साथ साथ जब आप इसको खाएंगे ना तो इसका फ्लेवर भी बड़ा कमाल का होता है। चलें एक साइड से हमने कर लिया इसको टोस्ट, दूसरी तरफ से भी करेंगे और फिर करेंगे इसको कट।
स्टोन ग्रिलिंग बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने किचन में हॉट प्लेट इस्तेमाल करते हैं, उसमें टेम्परेचर गेज लगे हुए होते हैं, थर्मोस्टेट्स लगे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको सारा काम करना है आईडिया से। चलें, ये हो गया डन। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं करता हूँ इसको फ्लैटिंग। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे किए। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। बटरफ्लाई फिश अज्जा। फिश आधा किलो, तेल 3-4 खाने के चमचे, लहसुन 3-4 जवे, हरी मिर्च 1 अदद, साबित लाल मिर्च 5-6 अदद, साबित काली मिर्च 5-6 अदद, धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हसबे जायका, अजवाइन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3-4 खाने के चमचे। साइड लाइन के लिए प्याज जुलियन 1 अदद, टमाटर जुलियन 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, नींबू का स्लाइस 4-5 अदद, नमक हसबे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2-3 खाने के चमचे, चपातियाँ 2 अदद। तरकीब। फिश मैरिनेट करने के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके पेस्ट बना लें, फिर इसे फिश पे लगाकर 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब पैन को तेल से ग्रीस करके फिश को दोनों तरफ से 4-4 मिनट के लिए पकाएं। उसके बाद सर्विंग डिश में रखकर साइड लाइन के साथ सर्व करें। साइड लाइन बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके तमाम अज्जा डालें और 2-3 मिनट तक तेज आंच पर पकाकर चपातियों के साथ सर्व कर दें। स्मैश्ड बीफ बर्गर पैटी के लिए अज्जा। बीफ का कीमा 500 ग्राम, बीफ की चर्बी 100 ग्राम, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हसबे जायका, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, सॉस के लिए अज्जा, मेयोनीज आधा कप, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हसबे जायका, असम्बलिंग के लिए अज्जा, बीफ पैटी 2-3 अदद, बर्गर बन 2-3 अदद, आइसबर्ग हसबे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस 2-3 अदद, टमाटर स्लाइस 5-6 अदद, फ्राइड अंडे 2-3 अदद, सॉस हसबे ज़रूरत। तरकीब। बीफ के कीमा और बीफ की चर्बी को मशीन से पीस कर नमक, कटा लहसुन और काली मिर्च मिक्स कर दें। अब कीमे की बॉल्स बनाकर पैन में डालकर स्मैश करें और दोनों तरफ से पका लें। सॉस बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में मेयोनीज, बारबेक्यू सॉस और नमक डालकर मिक्स करें। अब बन पर बर्गर सॉस लगाकर आइसबर्ग, बीफ पैटी, चीज स्लाइस, टमाटर स्लाइस और फ्राइड अंडे रखकर ऊपर बन का हिस्सा लगा के सर्व कर दें। मैक्सिकन बरीटो अज्जा। चिकन जुलियन 1 कप, तेल 3-4 खाने के चमचे, प्याज जुलियन 1 अदद, लहसुन जुलियन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 अदद, शिमला मिर्च जुलियन 1 अदद, कटे जैतून 5-6 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हसबे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चीज रेशा 1/4 कप, असम्बलिंग के लिए चपातियाँ 2-3 अदद, आइसबर्ग हसबे ज़रूरत, मेयोनीज 4-5 खाने के चमचे, बटर पेपर 4-5 अदद। तरकीब। पैन में तेल गर्म करके लहसुन सौते करें, फिर चिकन डालकर भूनें। अब तमाम सब्जियां, टोमेटो केचप, नींबू का रस और तमाम मसाले डालकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए और कीमा गल जाए। उसके बाद रेशा की हुई चीज़ डाल के मिक्स करें, फिर चपातियों पर मेयोनीज लगाकर आइसबर्ग रखें। अब चिकन की फिलिंग डालकर रैप्स बनाएं और दोनों तरफ से टोस्ट करें। आई होप कि आप लोगों ने रेसिपीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जब भी आउटिंग पर जाएँ, फैमिलीज़ के साथ जाएँ, कैंपिंग पर जाएँ, जहाँ पर भी, तो वहाँ पर स्टोन्स पर जो है कुकिंग ज़रूर कीजिएगा। हमारा मकसद यही है कि आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ नया से नया सिखाएं। तो इस दफ़ा हमने की स्टोन पे कुकिंग, तो आप लोग भी लाजमी कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है आउटस्टैंडिंग है। बारबेक्यू का तो एक अपना कमाल है, लेकिन स्टोन्स का जो मज़ा है वो लाजवाब है। तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग कभी भी कहीं पे भी जाएं तो आप लोगों ने स्टोन का इस्तेमाल लाजमी करना है। और तीनों रेसिपीज़ जो है आप लोग घर पर भी ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा भी कैसी लगी। ख़ास तौर पर स्मैश बर्गर जो बनाया ना, कमाल है ये, ज़रूर आपने, ये तो स्टोन का आइटम है ही है। तो तीनों रेसिपीज़ घर पे ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। आज हम थे पीएफ यार्ड क्लब में। आप लोग यहाँ पे पीएफ यार्ड क्लब में 10th, 11th और 12th सितंबर को यहाँ पे चैंपियनशिप भी हो रही है। लोग आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ पे जो है बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। हमने भी बड़ा इन्जॉय किया। तो इसके साथ साथ टाइम की लिमिटेशन है कुछ और टाइम जो है ख़त्म हो रहा है। तो ये तीनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी और हमें फीडबैक देने, आप लोगों को आज का शो कैसा लगा। तो इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।